आगे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है परमपाल कौर दे बीजेपी दे विच शामिल होण ते सीएम मान ने सवाल खड़े किए ने दस दिए कि परमपाल कौर बीजेपी दे विच शामिल होए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल खड़े किए ने मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि हाले तक अस्तीफा पंजाब सरकार ने मंजूर नहीं किया है जिन्नी काली आईएएस बनन दी सी छड्डन दे लई कोई होर तरीके हुंदे ने एक बार फिर तो दस दिए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तंज कसिया उन्होंने कहा कि जिन्नी काली आईएएस बनन दी सी छड्डन दे लई कोई तौर तरीके भी हुंदे ने मनोज जोशी साढ़े नाल फोन लाइन से जुड़ चुके हैं मनोज परमपाल कौर का जिक्र किया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाराजगी भी जाहिर की है परमपाल कौर कौन ये भी जानकारी दियो और किस तरह का तंज मुख्यमंत्री दे वालों कसिया गया है कि अस्तीफा मंजूर नहीं किया हाले फिलहाल बिल्कुल गगन जो परमपाल कौर ने वो पंजाब के आई एस अफसर ने काफी सेवा निभाई है नवंबर महीने में रिटायर हो जा रहे हैं पर उन्होंने उस तो पहला ही पी आर वॉलंटरी रिटायरमेंट जी स्कीम है वो तहत जी अपनी सरकार को अस्तीफा सौंपा था और जो परमपाल कौर ने वो अकाली दल के कदावर नेता सुखबीर सिंह बादल के अति नजदीकी सबका मंत्री सिकंदर सिंह मलूका उन्होंने जोड़े नूह ने उन्होंने जो बेटा से मलूका साहब का वो बठिंडा के पिंड जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा है तो काफी समय तो जी चर्चावान चल रहे थे क्योंकि वो बीजेपी शामिल हो रहे हैं इस करके ही जी बी आर एस हैगी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत जो अस्तीफा उन्होंने दिता है कि सरकार को अस्तीफा से सरकार ने हज तक अस्तीफा मंजूर नहीं किया पर लंबे समय तो पिछले एक हफ्ते तो आप गल करिए इस गल दया सही रही गल नहीं कि वो अस्तीफा देने तो बाद बी आर एस लेन तो बाद वो जिहड़े ने बीजेपी शामिल कर शामिल हो सकते हैं तो बीजेपी उन्होंने बठिंडा तो उम्मीदवार बना सकती हैगी है पर अज हाले अस्तीफा उन्होंने मौजूद नहीं है सब जग जाहर है गल पर उन्होंने अज बीजेपी जी है शामिल हो गए हैं के नाल उन्होंने पति भी सके जो शामिल भी दिल्ली जाके हुए हैं उसे जिहड़े अपने शहरी विकास मंत्री है पुरी साहब उन्होंने उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन करवाई हैगी है पर इतनी गल सब तो बड़ी गेट यह है कि मुख्यमंत्री साहब ने स्पष्ट गल कर दी हैगी है कि आया सवाल वास्ते जिहड़ी उन्होंने काली सी तो ये भी कुछ कानून कायदे होंगे ने कुछ तौर तरीके होंगे ने अस्तीफा देने के पर अस्तीफा हजे मंजूर नहीं होया तुसीं उस तो पहला ही राज्य में खुद गए हो अस्तीफा देना देने की बजाय मंजूर होना जरूरी है क्योंकि सारे जी जिंदगी की कमाई है कि जो भी कोई रिटायर होंगे उन्होंने पैसे मिलते हैं उन्होंने जोड़े ग्रेजुएशन वो मिलदियां ने जो उन्होंने सेविंग होंगे वह सारिया मिलदियां ने गवर्नमेंट भी पैसे दी है तो उन्होंने कहा कि सारी जी जिंदगी की कमाई है वो खराब हो सकती है उन्होंने गल दी है कि जो पैसा मिलना है लखा करोड़ों रुपए के आस पास पैसे हो जाते हैं वो तो पैसे की गल की कि इस तरह जो नहीं करना था उन्होंने मतलब दराज की जा मनोज लेकिन अस्तीफा तो सरकार ने हजे मंजूर नहीं किया और बीजेपी ज्वाइन कर ली है इस चीज को कैसे समझा जाए मुश्किल बढ़ सकती है परमपाल कौर दी बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री ट्वीट जरा एकदम उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने तो तकरीबन तकरीबन एक घंटे अंदर जो ट्वीट आया गा मायने यही ने उन्होंने उन्होंने स्पष्ट तौर पर ताड़ना की आप कही ट्वीट के तौर पर ताड़ना की है क्योंकि वो आई एस अफसर पंजाब के ने मुख्यमंत्री जिहड़े सरकार के ने आई एस अफसर ने तो मुख्यमंत्री जिहड़े होंदे ने सरकार के जिहड़े हैं जिहड़े मुखी होंदे ने तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह ताड़ना की कि तुहाडा हले अस्तीफा मंजूर नहीं किया है अस्तीफा मंजूर करन दे तौर तरीके होंदे हैं तौर तरीके होंदे ने पर तुसीं नहीं किया है तो तुसीं पार्टी शामिल कर शामिल कर ली हैगी उन्होंने स्पष्ट उन्होंने पार्टी शामिल होने की गल ज्यादा नहीं की पर उन्होंने स्पष्ट किया अस्तीफे के उपर पूरी अपनी गल कही है कि तौर तरीके जो है अपनाए नहीं है अस्तीफा थोड़ा हजे मंजूर नहीं किया गया है अच्छा अस्तीफा देने के पीछे कोई वजह दसी है उन्होंने क्योंकि आईएएस ऑफिसर करनैल सिंह का भी जिक्र हो रहा है कि पोस्टिंग ना मिलने दो नाराजगी उन्होंने जाहिर की मैं आऊंगी थोड़े को परमपाल कौर खुद साढ़े नाल जुड़ चुके हैं परमपाल कौर जी सत श्री अकाल मैम थोड़ा जी मीडिया से जुड़न दे स्वागत है आवाज आ रही है मैम हाँ परमपाल कौर जी सब तो पहला तो सवाल यही कि आम आदमी पार्टी क्यों छड़ी तुसी मैं आम आदमी पार्टी कदे भी नहीं थी मैं तो आईएएस बनन दी काली सी कहंदे कि बीजेपी ज्वाइन तुसी क्यों कीती ओ अस्तीफा जिहड़ा तुसी दित्ता ओ तां सरकार ने अजे मंजूर नहीं किया अस्तीफा मंजूर हो चुका मेरा अस्तीफा मंजूर हो चुका बिल्कुल हो चुका मंजूर हो गया लेकिन मुख्यमंत्री ने तां ट्वीट नहीं नहीं मेरा हो चुका अस्तीफा मंजूर लेकिन वजह की है अस्तीफा देने के पीछे मैं पार्टी ज्वाइन करनी थी कर ली कुछ पर्सनल रीजन भी थे अफसर 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 शाही तो तुसी मतलब सियासत दे विच आना चाहुंदे हो अफसर शाही तो सियासत दे विच आना चाहुंदे हो हां सियासत विच भी आना चाहुंदे हां कुछ अपने भी काम करने हैं पर्सनल रीजन भी है कि ऐसे पॉलिटिक्स भी आना सी दोनों गल्लां
लेकिन थोड़े बाकी नजदीकी जो ने आम आदमी पार्टी ना खास तालुकात ने बीजेपी दे विच शामिल होने कोई खास वजह? आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है? फिलहाल परमपाल कौर का कहना है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। आईएएस ऑफिसर ने परमपाल कौर और